एचआरटीसी ने लोगों को सुविधा देने के लिए हवाई अड्डे तक सीधी सुविधा शुरू की। यह बस सर्विस पुराना बस अड्डा से सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और हवाई अड्डे से 8:30 पर पुराना बस अड्डा के लिए चलेगी। इस सुविधा से शहरवासियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं पवन शर्मा, मंडलीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला, सभी आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 7/7/2024 को एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस एयरपोर्ट के लिए चलाई गई है, जिसका शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा स्थानीय लोकल बस अड्डा शिमला से किया गया है। तो ये जो हमारी एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस नॉन स्टॉप ओल्ड बस स्टैंड शिमला से एयरपोर्ट जुबड़हट्टी के लिए डेली 2 चक्कर लगा रही है। एयरपोर्ट शिमला ओल्ड बस स्टैंड शिमला से एयरपोर्ट जुबड़हट्टी की दूरी 22 किलोमीटर है तथा यह इस दूरी को 40 से 45 मिनट में कवर करती है। इस एरो कनेक्ट टेम्पो ट्रैवल सर्विस का पहला चक्कर ओल्ड बस स्टैंड से 6:30 बजे चलती है तथा वाया बालूगंज टुट्टू शिवनगर होती हुई एयरपोर्ट 7:15 पे पहुंचती है तथा वापसी एयरपोर्ट से 8:30 बजे चलकर ओल्ड बस स्टैंड शिमला 9:15 बजे पहुंच जाती है। तथा दूसरे चक्कर के लिए यह एरो कनेक्ट टेम्पो बस सर्विस 9:30 चलकर 10:15 एयरपोर्ट पहुंचती है तथा एयरपोर्ट से 10:30-11 बजे चलकर वापस 11:15 बजे ओल्ड बस स्टैंड शिमला पहुंचती है। तो क्योंकि आजकल शिमला जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट्स रेगुलर आ रही हैं, जिनमें से पहली फ्लाइट दिल्ली शिमला 8:20 पे पहुंचती है तथा दूसरी फ्लाइट अमृतसर शिमला 10:10 पे पहुंचती है तथा तीसरी फ्लाइट धर्मशाला शिमला 11:10 पे पहुंचती है। इनमें से धर्मशाला शिमला फ्लाइट जो है हफ्ते में कई बार मिस भी हो जाती है, कभी 4 दिन चलती है। तो इस सेवा, इस टेम्पो ट्रैवलर एरो कनेक्ट सेवा के चलने से हमारे जो भी यात्री बाहर से शिमला के लिए आते हैं तो उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है तथा शिमला से जाने के लिए तो थोड़े यात्री इसमें अभी कम हो रहे हैं, परंतु जब शिमला एयरपोर्ट से ओल्ड बस स्टैंड के लिए आती है तो इसमें यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पिछले कल की बात बताऊं तो फर्स्ट ट्रिप में तो 4 यात्री शिमला से एयरपोर्ट से ओल्ड बस स्टैंड शिमला आए थे तथा दूसरी जो सेकेंड ट्रिप था इसका, उसमें 12 यात्री एयरपोर्ट से शिमला ओल्ड बस स्टैंड के लिए आए हैं। इस एरो कनेक्ट जो टेम्पो ट्रैवलर सर्विस हमारी एचआरसी द्वारा चलाई गई है, इसका फिक्स किराया 200 पर पैसेंजर है। तो हमें मेरा इस आप स्थानीय लोगों से यही अपील है कि हिमाचल सरकार द्वारा ये जो एरो कनेक्ट सर्विस फास्ट सर्विस दी गई है, इसका जो है स्थानीय जनता ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। इसकी मैं सभी से स्थानीय जनता से अपील करता हूं तथा इसके लिए मैं अपनी हिमाचल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अपने प्रबंध निदेशक श्री रोहन चंद ठाकुर जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि जिनके भरसक प्रयत्न से इस सर्विस को हम एचआरसी द्वारा चलाया गया है।